लोकसभा चुनाव अभी अभी संपन्न हुए हैं। अब परिणाम का इंतजार सभी राजनीतिक नेता एवं उनके दल कर रहे हैं। इन चुनावों में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चुनाव संपन्न होने के बाद भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। हालिया घटनाक्रम में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर गंभीर आरोप लगाए। सोमवार को भाजपा नेता विजय गोयल को जवाब देते हुए केजरीवाल ने कहा कि उन्हें उनका निजी सुरक्षा अधिकारी यानी POS नहीं बल्कि मोदी जी जान से मारना चाहते हैं। एक निजी चैनल के साथ बातचीत करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री ने शनिवार को दावा किया था कि उनका POS उन्हें उसी तरह मार सकता है जैसे पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या हुई। उन्होंने कहा कि भाजपा उनकी जान के पीछे पड़ी हुई है और एक दिन उन्हें जान से मार डालेगी। बताते चलें कि गोयल ने एक ट्वीट में कहा था, यह दुखद है कि आपने अपने POS पर संदेह किया जिससे दिल्ली पुलिस की इज्जत तार तार हो गई। आपको खुद ही अपना POS चुन लेना चाहिए था। यदि आपको इस संबंध में मेरी मदद चाहिए तो बताइए, मैं आपकी लंबी उम्र की कामना करता हूँ। इसका उत्तर देते हुए केजरीवाल ने एक ट्वीट में कहा, मेरे POS नहीं बल्कि मोदी जी मुझे मरवाना चाहते हैं। इससे पहले भी अरविंद केजरीवाल अन्य बड़े नेताओं पर आरोप लगाते रहे हैं, पर PM पर हत्या की साजिश के आरोप ने राजनीतिक गलियारों में कहीं ना कहीं सनसनी तो फैला ही थी।